वो प्लेयर है सर जिसे भले ही गेम ना आता हो, मैदान में उतरा ना तो खलबली मचा देगा। हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेके आ चुके हैं। जो फ्रेंड आप स्टार्टिंग में जो वीडियो देखें, अगर आप चाहते हैं उस तरह के अच्छे वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं अपने फ़ोन फोटो के साथ, तो फ्रेंड आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है विदाउट स्किप के, वीडियो को फुल वॉच करिए तो फ्रेंड आपको समझ में आ जाएगा कैसे आप अपने फोटो के साथ आप एक न्यू ट्रेंडिंग एक्स्ट्रा वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद उस वीडियो को आप अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं या अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड उस वीडियो के बारे में बताते हैं कि कैसे वीडियो एडिटिंग करना है, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले आपको फ्रेंड क्या करना है, इस वीडियो एडिटिंग के लिए आपके VN एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर VN एप्लीकेशन नहीं है तो प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे VN एप्लीकेशन अपने मोबाइल में यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ VN एप्लीकेशन फ्रेंड यहाँ पे ओपन कर लिए तो VN एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे इस तरह से VN एप्लीकेशन इंटरफेस खुल के आ चुका है। अब यहाँ प्लस पे हम क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, गो इट पर क्लिक करेंगे। देखिए फ्रेंड इस तरह से आ चुका है इंटरफेस खुल के, तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद अपने फाइल से वीडियो को ले लेना है, वीडियो ले ली उसका एरो पर क्लिक कर देंगे। देखिए इस तरह से वीडियो को लेने के बाद इस तरह से क्लिक कर दिया, एरो पर क्लिक कर दिए और इस तरह से वीडियो आ चुका है। देखते हैं फ्रेंड यहाँ लेट्स वीडियो आ चुका है। जो लास्ट का जो पार्ट इस पार्ट को डिलीट कर देना है, इनपुट वाला जो फाइल इसको डिलीट कर देना है। अब इतना चीज़ कर लिए फ्रेंड यहाँ कंप्लीट करने के बाद, अब आपको क्या करना है, अपने यहाँ पर इतना चीज़ कंप्लीट कर लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप हमारे चैनल पर न्यू आए हुए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दे बेल आइकन को, जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो डाल दो आपके नोटिफिकेशन चला है सबसे पहले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है जरूर एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगता है जरूर एक वीडियो कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले यहाँ म्यूजिक जो आइकन देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ म्यूजिक वाला आइकन फ्रेंड चले जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे फ्रेंड। यहाँ पे देखिए तरह से आ चुका है यहाँ पे इस तरह से खुल के, तो चलिए यहाँ पे माई म्यूजिक पे क्लिक करते हैं फ्रेंड। यहाँ पे इस तरह देखिए माई म्यूजिक आ गए फ्रेंड यहाँ पे, और यहाँ फाइल ऐप पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे चलिए आ गए और यहाँ पे जो अभी यहाँ पे चलिए यहाँ पे चले जाते हैं और अपने फाइल तो जो भी डाउनलोड किए हैं उस सॉन्ग को चले लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला आ चुका है, इस सॉन्ग को ले लिए तो आ चुका है। यहाँ पे माय म्यूजिक पर क्लिक कर देंगे, नहीं तो आप कोई फाइल बना सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे फाइल एक कोई भी एक बना देते, 1-2-3 यहाँ क्लिक कर दिए क्लिक, और यहाँ पे इसमें देखिए आ चुका है, यहाँ म्यूजिक आ चुका है। यहाँ पे यूज़ पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए तो आ चुका है, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए तो म्यूजिक आ चुका है, तो इतना अच्छे सेट हो चुका है। यहाँ पे अब क्या करना है, अब अपने फाइल से आपको 5-6 फोटो पहले ऐड कर लेना है। यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, वीडियो फोटो पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ फोटो वाला आइकन में चले जाएंगे और यहाँ पे इस पर क्लिक करके और अपने फाइल में चले जाएंगे। और अपने फाइल से हमें क्या करना है, 4-5 फोटो आपको ले लेना है, जिसके भी फोटो से वीडियो क्रिएट करना चाहते हो उसका फोटो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो चलिए अपने फाइल से फिर यहाँ पर 4-5 फोटो ऐड करते हैं, तो अपने फाइल में आ चुके हैं और अपने फाइल में यहाँ पर देखिए इस तरह से फोटो को लेते हैं फिर यहाँ पे इस तरह से 5 फोटो को ले लिए। फिर यहाँ पे 5 फोटो ले लिए, यहाँ पे एरो पे क्लिक कर दें, यहाँ एरो पे क्लिक कर दिए और देखिए मैंने इस तरह से फोटो आ चुका है, यहाँ पे इस तरह से फोटो आ चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे चले आना है और यहाँ पे आने के इसको टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पे बीट पर क्लिक करना है, बीट पर क्लिक करना है, यहाँ पर बीट को सुनना है। तो जैसे कि फर्स्ट बीट आपको यहाँ पे है तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे फर्स्ट बीट है, तो इस पर यहाँ बीट मार्क पर क्लिक कर देंगे, फिर प्लस पे यहाँ और एक बीट यहाँ पे है फ्रेंड यहाँ पे फिर ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पे फिर प्ले करके एक यहाँ पे है फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे। तो आपको जहाँ जहाँ बीट लगे वहाँ फ्रेंड आपको बीट दे देना है। यहाँ पर देखिए तरह बीट को हम कर रहे हैं क्रिएट, तो यहाँ पर इस तरह क्रिएट कर दिए, उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे इतना पर कर दिए क्लिक, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पे बीट है फ्रेंड यहाँ पे इसको टच करेंगे, कैसे पे क्लिक करके इसको क्या करना है डिलीट कर देना है, कट कर देना है। फिर से यहाँ पे आ जाएंगे, फिर इसको टच करेंगे यहाँ पे और इसको चाहे तो आप छोटा भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग छोटा भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से यहाँ पे कर रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पे अपने बीट मार्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह सेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको भी इस तरह से सेट कर लेना है, यहाँ पे सेट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे तो इस तरह देखिए कंप्लीट हो चुका है, इतना कंप्लीट कर लिया फ्रेंड यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है फिर यहाँ पर जैसे कि प्लस पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे पहले यहाँ पे लाइट पे चले जाना है। फिर यहाँ पे चलिए लाइट आपको बताते हैं फिर यहाँ पे कहाँ पे लाइट है, तो यहाँ पे देखिए लाइट क्लिक कर देना है, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दिए। यहाँ पर सभी में लाइट लग चुका है फिर यहाँ पे सभी में लाइट लग चुका है, तो जो भी 4-5 फोटो है चारों 5 फोटो में आपको अलग अलग इफेक्ट को देना है। तो जो फर्स्ट यहाँ पे चलिए ले लिए इफेक्ट पे चले जाएंगे और यहाँ पे जैसे आपको जो आपको अच्छा लगे फ्लैश वगैरह अच्छा लगा तो इसको लेके इसके बराबर क्लिक कर उसके
ओके पे क्लिक कर देंगे, फिर सेकंड इमेज इसको टच कर इफेक्ट पर चले जाएंगे और आने के बाद यहाँ पे जिटर पर ले लेंगे। तो आपको जो जो अच्छा लग रहा है यहाँ पे अलग अलग आपको इफेक्ट को दे देना है। तो फ्रेंड यहाँ पर देख लीजिए अलग अलग इफेक्ट हुए, उसके बाद आपको पांच फोटो पाँचों यानी पाँचों में एक अलग अलग इफेक्ट को दे देना है, क्रिएट कर देना है। फ्रेंड यहाँ पे इस तरह से हम कर दिए क्रिएट, उसके बाद आपका इस तरह से कंप्लीट वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ पे तो दे दिए, उसके बाद यहाँ पे यानी कंप्लीट कर दिए, यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इस तरह से मेरा पोर्टफोलियो स्टडी वीडियो मेरा बनकर तैयार हो चुका है। अब इस वीडियो को हमें क्या करना है, सेव करना है, तो शेयर के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर लेंगे वीडियो एक्सपोर्ट। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर एक वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड आपसे मिलते अगले वीडियो में, एक न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। तो टेक केयर फ्रेंड, बाय फ्रेंड।